हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीसी ज्ञान। आई होप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम इंग्लिश क्विज में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, जो कि एसएससी सीजीएल के लिए और राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्विज देखने से पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्विज देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सट्रीम ओल्ड एज व्हेन अ मैन बिहेव्स लाइक अ फूल। इसके ऑप्शन है इम्बेसिलिटी, सेनिलिटी, टॉटेज और सुपर एनुएशन। इसका आंसर हो जाएगा सी, डॉटेज। तो डॉटेज और सेनिलिटी दोनों जो है सिनोनिम है। इसका मतलब होता है जब एक्सट्रीम ओल्ड हो जाते हैं तब वो थोड़ी बेवकूफ़ी भरी हरकतें करते हैं, और यानी कि बच्चों जैसे बिहेव करते हैं। इम्बेसिलिटी का मतलब होता है मूर्खता, और सुपर एनुएशन जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है, दैट इज सुपर एनुएशन। नेक्स्ट है दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, ऐसा जो सही नहीं किया जा सके। इसके ऑप्शंस है अनइंटेलिजिबल, इंडेलिबल, इलिजिबल एंड डी है इनकरेजिबल। इसका आंसर हो जाएगा इनकरेजिबल, मतलब जिसे सही ना किया जा सके, वो होता है इनकरेजिबल, जो बदल ना सके। इन इंटेलिजिबल से बोलते हैं जो समझ ना आए, जिसे समझा ना जा सके। इलिजिबल ऐसा जो पढ़ने में ना आए, जो अनक्लियर हो। और इंडेलिबल जिसे मिटाया ना जा सके, जैसे परमानेंट जो मार्क्स होते हैं, दाग धब्बे, वो जिनको मिटाया ना जा सके, दैट इज इंडेलिबल। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ एंशंट सोसाइटीज। ऑप्शंस हैं एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री, इथनोलॉजी। आप लोग साथ साथ में इसे सॉल्व करते जाएं, अपने आंसर टिक लगाते जाएं। इसका आंसर हो जाएगा आर्कियोलॉजी, यानी कि ऑप्शन बी। आर्कियोलॉजी जो है पुरातत्व विज्ञान, जिसमें कि जो पुरानी सभ्यताएं हैं उनकी खोज की जाती है और उनकी जो है स्टडी की जाती है, वो है आर्कियोलॉजी। एंड एंथ्रोपोलॉजी जो है वो मानव विज्ञान है, जो कि उनके सामाजिक और कल्चर और उनके डेवलपमेंट की स्टडी करता है, वो है एंथ्रोपोलॉजी। हिस्ट्री जो है इतिहास है, और इथनोलॉजी जो है वो मनुष्यों के व्यवहार, उनके जो रिलेशन है, उनके जो डिफरेंसेस हैं, मतभेद वगैरह, उनकी जो स्टडी है वो है। नेक्स्ट है अ पर्सन ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज एंड रीजनिंग पावर। ऑप्शन है एक्सपर्ट, इंटेलेक्चुअल, स्नॉब और लिटरेट। इसका आंसर हो जाएगा इंटेलेक्चुअल, ऐसा इंसान जिसको बहुत नॉलेज हो, जो बुद्धिमान होते हैं। एक्सपर्ट यानी कि विशेषज्ञ, स्नॉब यानी घमंडी, जो हाई पोजीशन रखते हो सोसाइटी में, अपने आप को दूसरे लोगों से ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं, वो होते हैं स्नॉब। और लिटरेट का मतलब साक्षर, ऐसे जो लोग पढ़ सकें और लिख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन हु इंसिस्ट ऑन समथिंग। ऑप्शन है ए है डिसिप्लिनेरियन, स्टिकलर, इंस्टेंटेनियस एंड बोस्टर। इसका आंसर हो जाएगा बी, स्टिकलर, यानी कि ऐसा इंसान जो जिद पकड़ ले या अड़ जाए, हट कर ले किसी चीज़ के लिए, दैट इज स्टिकलर। डिसिप्लिनेरियन ऐसा इंसान जिसको अनुशासन बहुत पसंद हो, जो अनुशासक जो होता है, दैट इज डिसिप्लिनेरियन। नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस मतलब तत्कालिक, जो तुरंत, जो एकदम से जो काम, तत्काल, इंस्टेंटेनियस। एंड बोस्टर का मतलब होता है डींगे हाँकने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट इन विच द फ्यू गवर्न द मेनी। ऑप्शन है मोनार्की,
ओलिगार्की, प्लूटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी। इसका आंसर हो जाएगा बी, ओलिगार्की, जिसमें कुछ लोग जो है बहुत सारे लोगों पे शासन करते हो, जिसे कुलीन तंत्र बोलते हैं। मोनार्की राजशाही, ऑटोक्रेसी जिसमें सिर्फ एक इंसान को एब्सोल्यूट पावर हो, होता है ऑटोक्रेसी। और प्लूटोक्रेसी जो धनी लोग हैं अगर शासन करें तो दैट इज प्लूटोक्रेसी। नेक्स्ट है अ स्टाइल इन विच अ राइटर मेक्स अ डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज। ऑप्शन है, इसके ऑप्शन है पेडेंटिक, वर्बोज, पॉम्पस एंड ऑर्निंग। इसका आंसर हो जाएगा पेडेंटिक, यानी कि ऐसे जो अपनी नॉलेज का ज़्यादा दिखावा करते हैं, अपने आप को ज़्यादा पंडित समझते हैं। वर्बोज, ज़्यादा बोलने वाला, टॉकेटिव। पॉम्पस, पॉम्पस जिनको अपने आप पे गर्व हो, जो गर्वित होते हैं वो बोलते हैं पॉम्पस। एंड ऑर्निट, किसी को अलंकृत करना, ऑर्निट। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ द बिजनेस और सब्जेक्ट टू बी कंसीडर्ड एट अ मीटिंग। ऑप्शन है स्केड्यूल, टाइम टेबल, एजेंडा एंड प्लान। इसका आंसर हो जाएगा एजेंडा। इसका मतलब होता है ऐसी लिस्ट जो एक मीटिंग में या बिजनेस में डिस्कस करनी है। स्केड्यूल, टाइम टेबल और प्लान, ये तीनों सिनोनिमस हैं। स्केड्यूल, प्लान और टाइम टेबल, दैट मीन्स प्रोग्राम बनाना है, कोई कुछ चीज़ प्लान करना। नेक्स्ट है लीव और रिमूव फ्रॉम अ प्लेस कंसिडर्ड डेंजरस। इसके ऑप्शन है इवेड, इवैक्यूएट, अवॉइड, एक्सटर्मिनेट। इसका आंसर हो जाएगा बी, इवैक्यूएट, यानी कि खाली करना। इवेड का मतलब होता है अवॉइड करना, और अवॉइड और इवेड जो है दैट आर सिनोनिम्स। एंड एक्सटर्मिनेट मतलब किसी चीज़ को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना। तो इवैक्यूएट जो है कहीं जो खतरे वाली जगह होती है वहाँ से जब खाली करा लेते हैं दैट इज इवैक्यूएट। नेक्स्ट है अ पर्सन, नेक्स्ट है अ प्राइमा फेसी केस इज सच। ऑप्शन है एज इट सीम्स एट द फर्स्ट साइट, एज इट इज मेड टू सीम एट द फर्स्ट साइट, एज इट सीम्स आउट टू बी एट द एंड। नेक्स्ट है एज इट सीम्स टू बी द कोर्ट आफ्टर अ नंबर ऑफ हियरिंग्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एज इट सीम्स एट फर्स्ट साइट, यानी जो प्रथम दृष्टया जो केस हमें लग रहा है देखने से वो, तो प्राइमा फेसी। नेक्स्ट है अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इज नॉट। ऑप्शन है मजिशियन, रॉक, लायर एंड इम्पोस्टर। इसका आंसर हो जाएगा डी, इम्पोस्टर, यानी कि बैरूपिया, जो प्रिटेंड करे कि वो कुछ और है लेकिन वो कुछ कोई और के जैसे प्रटेंड करें। नेक्स्ट है अ पर्सन हु नोज मेनी फॉरेन लैंग्वेजेस। ऑप्शन है लिंग्विस्ट, बी है पॉलीग्लॉट, ग्रामेरियन एंड बायलिंगुअल। का आंसर हो जाएगा ए, लिंग्विस्टिक, ऐसा इंसान जिसको बहुत सारी फॉरेन लैंग्वेज आती हो। पॉलीग्लॉट, ऐसा बहुभाषी जिसको बहुत सारी भाषाएं आती हों और वो उनको यूज़ कर सकता हो। और ग्रामेरियन, जो कि ग्रामर की स्टडी करता हो और उसके बारे में लिखता हो। और बायलिंगुअल, जिसको दो लैंग्वेज होती हो। नेक्स्ट, वन हु हैज़ लिटिल फेथ इन ह्यूमन सिंसियरिटी एंड गॉड एंड गुडनेस। ऑप्शन है ईगोइस्ट, फैटलिस्ट, स्टोइक एंड साइनिक। इसका आंसर हो जाएगा डी, साइनिक, यानी कि जिसको निंदक जो होते हैं वो हैं साइनिक। ईगोइस्ट, जो सेल्फ सेंटर्ड हो या सेल्फिश। स्टोइक, जो उदासीन रहे सबके लिए, पेन और प्लेजर के लिए। और फैटलिस्ट का मतलब होता है भाग्यवादी, जो भाग्य पे भरोसा रखे। वन हु पोजेस मैनी टैलेंट्स, ए है वर्सेटाइल, न्यूबाइल, एक्सेप्शनल एंड गिफ्टेड। इसका आंसर हो जाएगा ए, वर्सेटाइल, ऐसे जिसके पास बहुत सारे टैलेंट हो। न्यूबाइल, ऐसी लड़की होती है जो शादी योग्य हो गई हो। एक्सेप्शनल यानी कि असाधारण, और गिफ्टेड जो बहुत ही प्रतिभाशाली हो, होते हैं गिफ्टेड।
नेक्स्ट वन हु ईट्स एवरीथिंग, ऑप्शन है ओमनिवोर्स, ओमनिसेंट, इरेस्टिबल, इंसॉल्वेंट। इसका आंसर हो जाएगा ओमनिवोरस, जो सर्वाहारी हो, इंसॉल्वेंट, जो बैंक्रप्ट हो जाते हैं, होते हैं इंसॉल्वेंट, ओमनीसेंट मतलब सर्वज्ञ, जो सब जगह प्रेजेंट हो। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग साथ साथ में इसे सॉल्व करते जाएं और लिखते जाएं जो वर्ड के मीनिंग्स मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये काम आएंगे सिनोनिम्स में और एंटोनिम्स में, और इनके भी वन वर्ड हो सकते हैं जो बाकी के ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, मैलाफाइट केस इज वन, ऑप्शन है विच इज अंडरटेकन इन ए गुड फेथ, नेक्स्ट विच इज अंडरटेकन इन ए बैड फेथ, सी है विच इज अंडरटेकन आफ्टर अ लॉन्ग डिले, डी है विच इज नॉट अंडरटेकन एट ऑल। इसका आंसर हो जाएगा बी, विच इज अंडरटेकन इन ए बैड फेथ। माल का मतलब होता है बैड, MAL, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द कस्टम और प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट ए टाइम एट सेम टाइम इज, ऑप्शन है पॉलीगाइनी, पॉलीफोनी, पॉलीएंड्री, पॉलीक्रोमी। इसका आंसर हो जाएगा पॉली एंड्री सी, मतलब तो एक साथ बहुत सारे पति रखना, पॉलीगाइनी बहु विवाह में बहुत सारी पत्नियां रखना, पॉलीफोनी एक कंपोजिशन जो एक साथ गाया जाए, और पॉलीक्रोमी बहुत सारे रंगों में रंगना, उस आर्ट को कहते हैं पॉलीक्रोमी। नेक्स्ट है टेंडिंग टू मूव अवे फ्रॉम द सेंटर और एक्सेस, ऑप्शन है सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल, एक्सियोमेटिक एंड ऑरी। इसके ऑप्शन आंसर हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल, यानी कि केंद्र से बाहर की ओर जाना। नेक्स्ट है टी टोटलर मीन्स वन हु एब्सटेन्स फ्रॉम थेफ्ट, वन हु एब्सटेन्स फ्रॉम मीट, वन हु एब्सटेन्स फ्रॉम टेकिंग वाइन या अल्कोहल, वन हु एब्सटेन्स फ्रॉम वलाइस। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वन हु एब्सटेन्स फ्रॉम टेकिंग वाइन। नेक्स्ट अ पर्सन इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग स्टडिंग एंड सेलिंग ऑफ ओल्ड थिंग्स, ऑप्शन है एंटिक्वेरियन, जंक डीलर, क्रैंक एंड आर्कियोलॉजिस्ट। इसका आंसर हो जाएगा ए, एंटिक्वेरियन। नेक्स्ट है अ ड्राइंग ऑन ट्रांसपेरेंट पेपर, ऑप्शन है रेड प्रिंट, ब्लू प्रिंट, नेगेटिव एंड ट्रांसपेरेंसी। इसका आंसर हो जाएगा डी, ट्रांसपेरेंसी, यानी कि ट्रांसपेरेंट पेपर पे कोई ड्राइंग बनाना, ट्रांसपेरेंसी। क्रैंक का मतलब होता है सनकी, जंक डीलर यानी कि कबाड़ी, सेंट्री पिटल का मतलब होता है केंद्र की बाहर जाना, और एक्सियोमेटिक मतलब स्वयं सिद्ध या जो क्वेश्चनेबल नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु इज नॉट इजिली प्लीज बाई एनी थिंग,
ऑप्शन है मेडन, मेडाइवल, प्रोकैरियस और फास्टीडियस। इसका आंसर हो जाएगा डी, फास्टीडियस, मतलब जिसे आसानी से खुश नहीं किया जा सकता हो। नेक्स्ट है रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस, ऑप्शन है स्टोइक, मार्वल, वेनेशिया, रिकम्पेंस। इसका आंसर हो जाएगा सी, वेनेशिया, यानी कि रामबाण। नेक्स्ट है वन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, ऑप्शन है बेलिकोस, एग्रेसिव, बेलिग्रेंट एंड मिलिटेंट। इसका आंसर हो जाएगा ए, बेलिकोस, यानी कि लड़ाकू, बेलिग्रेंट यानी कि जुझारू, मिलिटेंट यानी कि आतंकवादी। नेक्स्ट है अ स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लोथ्स, कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा, ऑप्शन है स्टोर, स्टॉल, बुटीक एंड बूथ। इसका आंसर हो जाएगा सी, बुटीक, यहाँ पे फैशनेबल कपड़े और कॉस्मेटिक वगैरह मिलते हैं, होता है बुटीक। नेक्स्ट है दैट विच कैन नॉट बी रेड या रीड, ऑप्शन है नेग्लिजिबल, इलिजिबल, इनएलिजिबल, इनकरेजिबल। इसका आंसर हो जाएगा बी, इलिजिबल, जो पढ़ने योग्य ना हो, नेग्लिजिबल यानी नगण्य, इनकरेजिबल जिसको बदला ना जा सके या जिसको ठीक ना किया जा सके। मिडआइवल का मतलब होता है मध्यकालीन, प्रिकैरियस का मतलब होता है अनिश्चित, किसी चीज़ के बारे में निश्चय न हो, तो दैट इज प्रिकेरियस, अनिश्चित। और रिकम्पेंस का मतलब होता है बदला चुकाना। एग्रेसिव मतलब, इसका मतलब होता है आक्रामक। मिलिटेंट मतलब आतंकवादी। और स्टोर और स्टॉल और बूथ सबको पता ही होगा। अब साथ में इनके मीनिंग्स भी लिख लीजिए। और मेडन का मतलब होता है अनमैरिड गर्ल या युवती, होता है मेडन। साथ साथ में इसे सॉल्व करते जाएं और प्रैक्टिस करते रहें, जिससे कि आपकी एक्यूरेसी जो है वो बढ़ जाएगी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नए वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है इन अ स्टेट ऑफ टेंशन और एंग्जाइटी और सस्पेंस, ऑप्शन है ऑफ बैलेंस, डिप्रेस्ड, डिफ्यूज्ड, ऑन टेंटर हुक्स। इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑन टेंटर हुक्स, मतलब ऐसी स्टेट में जिसमें हम परेशान हो या कोई सस्पेंस की कंडीशन हो, तो उसे बोलते हैं ऑन टेंटर हुक्स। डिफ्यूज्ड मतलब फैलाना, ऑफ बैलेंस, और डिप्रेस का मतलब होता है उदास होना, ऑफ बैलेंस मतलब स्टेबल नहीं होना। नेक्स्ट है दैट विच कैन नॉट बी सीन, ऑप्शन है इनसेंसिबल, इनटेंजिबल, इनविजिबल और अनसीन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इनविजिबल, जो दिखाई ना दे, अनसीन, जो देखा ना गया हो, इनटेंजिबल, जिसे छुआ ना जा सके या जो अमूर्त हो, और इनसेंसिबल, जो बेसुध हो, होता है इनसेंसिबल। नेक्स्ट है टू स्लैप विथ अ फ्लैट ऑब्जेक्ट, किसी फ्लैट ऑब्जेक्ट के साथ मारना, ऑप्शन है चॉप, ह्यू, नॉ एंड स्वैट। इसका आंसर हो जाएगा डी, स्वैट, यानी कि किसी चीज़ को फ्लैट ऑब्जेक्ट से मारना। चॉप और ह्यू जो है सिनोनिम्स हैं, इन दोनों का मतलब होता है कुल्हाड़ी से काटना या चॉप करना, और नॉ का मतलब होता है किसी चीज़ को चबाना, टू निबल समथिंग और टू च्यू समथिंग इज नॉ। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, नोट्स साथ में बनाते रहें।
अगर स्पीड ज़्यादा है तो वीडियो पॉज करके और लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए साथ में।